यास्मिन कुकिंग को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक करके और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। जी आज हम लोग बना रहे हैं बेसिक चिकन करी। अगर आपको इसकी कंप्लीट रेसिपी इंग्लिश में रिटर्न चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपको मेरा फेसबुक पेज ज्वाइन करना है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है इन्हें लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए ये बनाते हैं बेसिक चिकन करी और बताते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी और इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमें चाहिए होगा चिकन और इसके नॉर्मल से स्लाइसेस करके आपने धो के अच्छे से इसको ड्राई कर लेना है। अदरक लहसुन, सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्च, टमाटर, प्याज, सुर्ख मिर्च, ज़ीरा, हल्दी, नमक, गरम मसाला, काली मिर्च, सूखा धनिया पाउडर। सबसे पहले हंडिया में ऑयल ऐड करेंगे और ये आज की रेसिपी मेरे हस्बैंड बना रहे हैं। ये आपको बताएंगे इस रेसिपी को कैसे बनाना है। तेल ऐड किया है इसके अंदर और तेल ऐड करने के बाद प्याज ऐड कर लें। सारी चीज़ों की जो क्वांटिटी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, वहाँ आप देख सकते हैं। प्याज़ों को गोल्डन होने तक इनको पकाएंगे, साथ ही हम इसके थोड़ा सा नमक भी ऐड कर लेंगे ताकि प्याज जल्दी से इसके गोल्डन हो जाएं। तो अपने टेस्ट के मुताबिक आपने नमक इसके अंदर ऐड करना है। ये प्याज जो है ना डाले हैं तो अब इनके हल्का सा गोल्डन हो जाएंगे, तो फिर इसमें जो है ना बाकी चीज़ें भी डाल देंगे। अभी इनके गोल्डन होने का इंतज़ार कर रहे हैं। ये प्याज गोल्ड हो चुके हैं तो अब इसमें मैं ये हल्दी और अदरक और लहसुन का पेस्ट वो डाल दिया है। अब ये जो मसाले आपको बताए थे वो सारे अब इसमें ऐड करने लगा हूँ क्योंकि इसका पानी जो है ना वो ड्राई हो चुका है। तो अब ये ऐड कर दिए और इनको थोड़ा पकाएंगे। तो अब मसाला थोड़ा पक गया है तो इसके अंदर ये टमाटर और सब्ज़ मिर्चें ये भी ऐड कर देते हैं। तो अब आपने इस मसाले को उस वक्त तक पकाना है जब तक टमाटर, मिर्चें और ये सब कुछ जो है ना ये गल नहीं जाते। मसाला हमने भून लिया है तो अब इसके अंदर जो है ना ये चिकन ऐड कर दिए। चिकन ऐड करते हैं और इसको 5 से 7 मिनट तक जो है ना इसको भूनेंगे और फिर उसके बाद इसमें पानी ऐड करना हुआ तो पानी ऐड कर लेंगे। जितनी भी आपको ग्रेवी चाहिए होगी वो आप जो है ना उसके मुताबिक। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आपने बहुत से लाइक्स देने हैं ताकि फिर मैं आइंदा भी आपको नई वीडियो के साथ जो है ना कुछ नई कुकिंग आपको सिखाऊं। ये देखें जी, इसको 4 मिनट हो गए हैं तकरीबन भूनते हुए और ये ऑयल जो है ना ये ऊपर आ चुका है तो ऑलमोस्ट ये तकरीबन हो चुकी है, लेकिन थोड़ा सा और हम इसको भूनेंगे 2-3 मिनट के लिए। ये देखें जी, चिकन को आप भून लिया है तो अब आप अपनी मर्ज़ी, आपने जितना भी पानी इसमें ऐड करना है, जितनी ग्रेवी रखनी है तो उसके हिसाब से जो है ना आप पानी डाल लें। तो ये है कि इससे गल भी जाएगा और मसाला भी जो है ना वो भी अंदर चला जाएगा। देखिए पानी डालने के बाद इसको 4-5 मिनट हो गए हैं पकते हुए, तो अभी हम थोड़ा सा और इसको पकाएंगे ताकि चिकन जो है ना वो भी सही से गल जाए और सही रेडी हो जाए। चिकन ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है तो अब हम एंड में इसके अंदर जो है ना ये धनिया ऐड करेंगे और फिर 1 मिनट के बाद इसको उतार देंगे तो आपका सालन रेडी हो गया। ये देखें सालन रेडी हो गया है तो अब हम आपको सर्व करके इसका जो है ना फाइनल लुक दिखाते हैं। जी ये रही बेसिक चिकन करी और तैयार है। उम्मीद करते हैं आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली फ्रेंड सब के साथ इस चैनल को शेयर करें, उनको बोलें इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में अपनी बहुत सारा याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।